जय हिंद एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये नए वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार में चलने वाली एक्सप्रेस के बारे में। सो दोस्तों, आपको बता दें 2 मार्च को जो है 4 एक्सप्रेस और 6 मार्च को 2 एक्सप्रेस के अलावा 12 मार्च को जो है यस्टरडे कल 4 एक्सप्रेस चली है। दोस्तों, इस वीडियो में जो यही जानने वाले हैं ये 4 एक्सप्रेस कौन सा है और किस रूट पर जो है चली है और कितने दिनों के बाद ये एक्सप्रेस जो है चली है। सो दोस्तों, आपको बता दें इस वीडियो में जो है ये 4 एक्सप्रेस से जुड़े सब कुछ आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है, रूट के बारे में, स्टॉपेज के बारे में, उसके बाद टिकट के ये बारे में, सभी 4 न्यू ट्रेन का क्या नंबर होने वाला है और किस रेलवे स्टेशन से खुलने वाली है। और आप लोगों को बता दे ये 4 एक्सप्रेस से जुड़े सब कुछ आज वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दे कल जो है 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा आयोजन था और अहमदाबाद से देश में 10 वंदे भारत के अलावा जो है हमारे सहरसा बिहार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 एक्सप्रेस को जो है विस्तारित कर दी गई है। दोस्तों, ये 4 एक्सप्रेस से जुड़े टाइमिंग को आज हम लोग जो विशेष तरह से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि जो भी डॉट होता है टाइमिंग को लेकर होता है। दोस्तों, आपको इससे एक गुजारिश है, ये वीडियो को आप लोग जो है शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सहरसा बिहार के जो भी पैसेंजर है ताकि उनको जो टाइमिंग जानने में कोई भी असुविधा नहीं हो और ये गाड़ी का जो है भरपूर लाभ ले सके। चलिए दोस्तों, अब बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये 4 एक्सप्रेस के अलावा कोई भी डॉट इंडियन रेलवे से है तो आप लोग हमारे कोई भी वीडियो में जो है कॉमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आप लोगों को जरूर जवाब। 12 मार्च को जो 4 एक्सप्रेस को जो है स्थापित की गई है बिहार में, आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, पहली है सहरसा से फॉरबिसगंज को एक डायरेक्ट सीधी पैसेंजर ट्रेन जो है चली है, उसके बाद दूसरी ट्रेन दरभंगा से डायरेक्ट फॉरबिसगंज को चली है, तीसरी एक्सप्रेस जो है जनहित एक्सप्रेस है और चौथी एक्सप्रेस जो है जनसेवा एक्सप्रेस है। ये 4 एक्सप्रेस को जो अब विस्तारित कर दी गई है। सो दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये कहाँ से चलने वाली है, किस नंबर के साथ चलने वाली, कौन सी टाइमिंग में चलने वाली है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जनसेवा एक्सप्रेस की। तो इन एक्सप्रेस को जो है अब पूर्णिया कोर्ट तक जो है विस्तारित कर दी। दोस्तों, आपको बता 11 मार्च को जो है अमृतसर से आने वाली 14618 अमृतसर बनमनखी जनसेवा एक्सप्रेस पूर्णिया कोर्ट तक जाएगी। आगमन समय शाम में 6:35 है। उसके बाद जो 13 मार्च को ये गाड़ी जो है 14617 बनमनखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस पूर्णिया कोर्ट से चलेगी। सुबह में ये पूर्णिया कोर्ट से 5:35 पर जो है प्रस्थान करेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जनहित एक्सप्रेस की। तो सप्ताह में 5 दिन ये गाड़ी जो है पूर्णिया कोर्ट टू पाटलिपुत्रा के बीच चलेगी। अभी दोस्तों आप लोगों को बता दे ओल्ड नंबर जो जनहित एक्सप्रेस का है 13205 और 13206 ये 14 जुलाई तक यही एक्स नंबर के साथ जो है पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्रा के लिए जनहित एक्सप्रेस चलेगी। और आप लोगों को बता दें सोमवार और शुक्रवार को जो है इस गाड़ी को सहरसा से पाटलिपुत्रा के लिए चलाई जाएगी। सेवा एक्सप्रेस और जनहित एक्सप्रेस का नया ठहराव जो बना है ये बनमनखी मुरलीगंज और दौरा मधेपुरा बना है। उसके बाद ओल्ड ठहराव पे ये गाड़ी रुकते हुए जाएगी। पूर्णिया कोर्ट पाटलिपुत्रा जनहित एक्सप्रेस को जो है 14 जुलाई तक ओल्ड नंबर के साथ ही चलाई जाएगी। उसके बाद जो है 15 जुलाई से इसका नया नंबर 15505 और 15506 जो है दिया जाएगा और इस नए नंबर के साथ ये जनहित एक्सप्रेस जो है दौड़ेगी। अब बात कर लेते हैं सहरसा से फॉरबिसगंज चलने वाली सीधी डेमू पैसेंजर एक्सप्रेस की। सो दोस्तों, ये गाड़ी संख्या 055 16 ललित ग्राम सहरसा डेमू पैसेंजर एक्सप्रेस सहरसा से सुबह 6:45 में प्रस्थान करेगी और ललित ग्राम 9:30 में पहुंच जाएगी। फॉरबिसगंज दोपहर में 11 बजे पहुंच जाएगी। यही गाड़ी रिवर्स में 055 15 फॉरबिसगंज ललित ग्राम सहरसा डेमू पैसेंजर एक्सप्रेस फॉरबिसगंज से प्रस्थान करेगी सुबह में 11:30 में और ललित ग्राम पहुंच जाएगी 12:15 में और सहरसा पहुंच जाएगी दोपहर 3:50 में। दोस्तों, ये नंबर जो बताया ये नया नंबर होने वाला है सहरसा ललित ग्राम फॉरबिसगंज और फॉरबिसगंज ललित ग्राम सहरसा डेमू पैसेंजर एक्सप्रेस की। 16 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। सहरसा फॉरबिसगंज के बीच मंगलवार को पैसेंजर ट्रेन जो है चलने लगी है। अगस्त 2008 में बाढ़ त्रासदी आने के बाद इस संपर्क जो है खत्म हो चुका था। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर फिर से ट्रेन सेवा जो है बरसों बाद जो बहाल हुई है। 2 मार्च को जो है उद्घाटन के दरमियान और 5 मार्च को जोगबनी तक नियमित एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया था। लोगों को सहरसा से ललित ग्राम और दरभंगा से झंझारपुर तक चलाने वाली डेमू पैसेंजर का फॉरबिसगंज तक विस्तार होना का इंतजार था, वह इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया है। सहरसा से ललित ग्राम और दरभंगा से झंझारपुर होते हुए ललसा फॉरबिसगंज तक डेमू पैसेंजर एक्सप्रेस जो का परिचालन जो है शुरू हो चुका है। सो दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फॉरबिसगंज तक होने से कोसी सीमांचल और मिथिलांचल बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। पैसेंजर ट्रेन से सहरसा से फॉरबिसगंज का सफर 30 रुपया में पूरा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दरभंगा से फॉरबिसगंज चलने वाली डेमू पैसेंजर एक्सप्रेस की। गाड़ी संख्या 055 79 दरभंगा फॉरबिसगंज डेमू पैसेंजर एक्सप्रेस दरभंगा से शाम में 7:10 पर प्रस्थान करेगी। झंझारपुर आप लोगों को 8:33 में पहुंचा देगी। फॉरबिसगंज रात्रि में 12:20 में आप लोगों को पहुंचा देगी। रिवर्स में यही गाड़ी फॉरबिसगंज दरभंगा पैसेंजर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 055 80 के साथ
साथ चलेगी और फॉरबिसगंज से ये गाड़ी सुबह में 3:15 में जो प्रस्थान करेगी, झंझारपुर 6:13 में पहुंच जाएगी और दरभंगा शाम में 8:10 में पहुंच जाएगी। अगर दोस्तों बात करें ये दोनों डेमू पैसेंजर एक्सप्रेस की, तो ये गाड़ी सभी छोटे बड़े स्टेशन पर रुकते हुए अपने डिस्टेंस को कवर करेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लिए बहुत अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।